आज मैं पहले मेहमत का टेम करने वाली हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है तो कैसे किया मैंने वो देखना आप लोग। फिर मैं डायल वुल्फ को भी आज टेम करने वाली हूँ। इधर पे टेम करना मतलब कितना ज्यादा भसर मचने वाला है, वो सारी चीजों को मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो होलाटियस गेमर्स, कैसे हो आप सभी लोग? मैं हरिका आज दोबारा से एक बार फिर से खेल रही हूँ एआर के सर्वाइवल इवॉल्व। तो जैसे कि लास्ट डे को आप लोगों को भी पता है कि मैं इधर पे आ जाती हूँ मेहमत को ढूंढने, और इधर पे कुछ भी करके मुझे मेहमत मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि मिलेगी कैसे? आप लोगों को मिलने से पहले ही ये लोग कदम उजा रही है, क्योंकि इन लोगों को बहुत ज्यादा ये सब एनिमल वगैरह अटैक करता रहता है, जिस कारण इन लोगों का बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाती है। तो इधर पे और एक देखो, इधर पे डायर वुल्फ के साथ बहुत सारे इधर पे आरजी वगैरह इधर पे भयानक वाला अटैक कर देता है। इधर पे मुझे 27 लेवल की दिखती है, बट ये लोग इसको मार ही देता है फाइनली। तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने मेरे आरजी ने सभी ने मिलकर ट्राई किया, बट कुछ भी करके लास्टली हम लोग उसको बचा नहीं पाते हैं, वो मर ही जाता है। तो अभी इधर पे मैं आ जाती हूँ और इसको देखो, ये आरजी कम से कम मतलब लगभग इन लोगों का पूरा ग्रुप लेके, और इधर पे मैं इन लोगों को बाई 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 देख रहे हो ना। इधर पे अगर आप लोग आते हो मेहमत वगैरह टेम करने तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे थे 26 लेवल की मिली थी मुझे। यार आप लोगों के कारण मैंने बहुत ढूंढा, ढूंढने के बाद बहुत कष्ट करके एक मिली थी, वो भी लास्टली मारा ही गया। तो नाइट को मैं और लौटती नहीं थी घर पे, और इधर पे बिस्तर बिछा के मैं सो जाती थी। और इधर पे मैं जैसे ही आती हूँ इधर पे मुझे ये रेड वाला जो उल्फ होती है ना वो दिख जाती है, जैसे कि आप लोगों ने मुझे बताया था कि ये उल्फ की रानी होती है ऐसा कुछ, या फिर जो भी उल्फ का राजा होता है कुछ भी होता है। तो मैं सोचती हूँ इधर से मैं इसको टेम करती हूँ, ठीक है? तो मैंने इधर पे एक पत्थर के ऊपर मैं चढ़ जाती हूँ और आरजी को भी रख देती हूँ, और रखने के बाद नीचे मैं देखती हूँ दो इधर पे डायर उल्फ घूम रही है। तो मैंने पहले वो जो मुझे वही चाहिए तो मैं उसको ही मतलब निशाना लगा के लगा रही थी अपना ट्रैंक एरो को, बट कुछ भी करके इसके ऊपर लगे क्या, मतलब इधर उधर होके निकल जा रही थी। बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रही थी, क्योंकि मुझे इधर पे नीचे नहीं उतरना, क्योंकि कभी भी रेक्स आ सकती है, कभी भी इधर पे सैवर टूथ वगैरह आरजी वगैरह आ जा रही है। तो इधर पे नीचे उतरना ऊपर से रात है, तो कभी भी ये गलती आप लोग मत करना। अगर आते भी हो तो ऊपर रहना, ऊपर रह के आप लोग कोशिश करना कि इन लोगों को मार के इधर पे नॉक करो। तो मैं इधर पे ऊपर पे बहुत देर से खड़ी थी, खड़े होके मैं बहुत ज्यादा इन लोगों को ट्राई कर ही जा रही थी कि कुछ भी करके इसको मारू, बट ये भी मतलब क्या ही बताए यार, इतना ज्यादा इधर से उधर कर रहे जा रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही। और लास्टली ये लेफ्ट पे आ जाता है और उसका जो दो बंदा है उधर पे घूम रहा था। तो मैंने इधर पे कुछ भी करके इसके ऊपर बहुत कष्ट करके लास्टली मैं इसके ऊपर लगा ही देती हूँ, और जैसे ही लगाती हूँ फाइनली हो जाता है नॉकडाउन। और इधर पे इसके मतलब इन्वेंटरी में मैं इधर पे जाके फिर दे देती हूँ बहुत सारा मीट है। तो इधर पे मैंने मीट तो दे दिया, बट इसका बहुत ध्यान रखना जरूरी है। तो इधर पे मैं देख ही रही थी अभी अचानक मेरे पीछे से भाई इतना जोर से आवाज आता है, मुझे लगा भाई खत्म। इधर पे 16 रिवेल की एक रेस आ जाती है, तो मैं फटाफट से अपना एसल्ट राइफल को इधर पे निकाल लेती हूँ, निकाल के धराधर इसको मारने लग जाती हूँ। मतलब लिटरली इधर पे अगर एसल्ट राइफल ना हो ना तो आप लोगों का ऐसे बहुत सारे अगर बड़ा बड़ा अटैक आता है तो बच पाना लिटरली नामुमकिन हो जाएगी। तो आप लोग ध्यान रखना कि अगर ऐसे कंडीशन में आप लोग आओ तो फिर आप लोग एसल्ट राइफल वगैरह को कैरी करके ही लेके आओ। तो इधर पे और एक एआरजी आ जाती है जिसको मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती यार, ये लोग अगर मार देना मेरा जो एम करने के लिए छोड़ के रखा है, अगर इन केस इसने मार दिया तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएगी। तो मैंने इधर पे बहुत कष्ट करके ये वाला आरजी को तो मार दिया, और दूसरा फिर से इसका पता नहीं कौन है, ये लोग मतलब कंटिन्यू अटैक किए जा रहा है, क्योंकि मैंने इधर पे ऑलरेडी एक को टेम करने के लिए छोड़ के रखा है, तो बैक टू बैक अटैक आ रही थी। मतलब इधर पे रुक के रखना मतलब लिटरली आप लोगों को चारों ओर से देख रहे हो ना, फिर से आ गई। मतलब मैं जो से बोल रही थी कि अगर आप लोग इधर पे करते हो तो बहुत ध्यान रखे करना, और ऐसे ही मैं कर ही रही थी तभी मेरे आरजी के साथ ये वाला एजेंट भी इसका हो जाता है, जमेला ये दोनों ऊपर चला जाता है, और मुझे एक ही बात की फिक्र दे रही थी कि ये भाग ना जाए। फिर मैंने अपना जो व्हीसल है उसको जैसे ही बजाती हूँ मेरे आरजी तो आ जाती है, बट इसके पीछे वो वाला आरजी भी आ रहा था। तो मैंने सोचा पहले इसको मारते है, भाई इसको हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसने मेरे डायर उल्फ को इधर पे मार दिया फिर से मुझे टेम करने के लिए फिर से नॉक करो बंद तो बहुत ज्यादा बसर सामना करना होगा। तो मैंने इधर पे इसको बहुत कष्ट करके देखो ये कैसे मेरे को बैक टू बैक पीछे से मार रहा है, ऊपर से ये मेहमत भी मिडल से शायद मतलब क्या ही बोले, मुझे जो से लग रही है कि ये भी मुझे परेशान कर रहा है। हाँ यार ये भी परेशान कर रहा है यार, मैंने तेरे को कुछ बोला?
कुछ बोला तेरे को? नहीं बोला ना तो क्यों आ रहा है? क्यों बीच में पड़ रहा है? मैंने तो कुछ नहीं बोला था, फिर क्यों आ रहा है भाई? फालतू फालतू मारा गया ना इधर पे, तो इधर पे इसको भी मैं मार देती हूँ। और इधर पे देखो फिर से आरजी, मतलब अगर आप लोग आते हो तो समझ ही लोगे कितना ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इधर पे आके आरजी भी बहुत ज्यादा परेशान करने लग जाती है, तो मैं आ जाती हूँ इसको भी मारने। और देखो 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 मेरे डायल को ये देख रहा है, मतलब समझ रहे हो ना? मतलब आप लोगों को यार के वाले चाहेगा ही नहीं कि आप लोग किसी को भी टेम कर पाओ। लिटरली ये लोग आप लोगों को इतना ज्यादा अटैक देगा ना कि आप लोग तब समझोगे कि मैं क्या बोल रही थी। तो इधर पे ये लोग बहुत ज्यादा अटैक कर रहा था, तो मैंने बहुत ज्यादा कोशिश करके बहुत कष्ट करके करके इन लोगों को मार, क्योंकि मुझे नीचे भी नहीं उतारना है, क्योंकि इधर पे बहुत ज्यादा एनिमल्स आ जा रही है यार। मुझे इतना परेशानी का मतलब क्या ही बताए, मतलब मैं लिटरली इधर पे इतना बड़ा फंसा हूं ना इस बार की क्या ही बताए। तो फाइनल मैं उतर चुकी हूँ, अभी इसको आने देते है। बट ये देखो ये दोनों फेस से चला गया यार, मैं आई थी इसको मारने के लिए, बट मेरे आरजी बहुत ज्यादा मतलब ऐसे ऐसे काम करता है ना कभी कभार कि मैं क्या ही बताऊं। तो इधर पे फिर से ये दोनों ये कर रहा था, तो मैंने इसके हुइसल बजाया, फिर इसको पता चला कि मैं हुइसल बजा के इसे बुला रही हूँ, फिर आया ये मेरे पास। अभी देखो इसको मुझे मारना है, तो मैं इधर पे खड़ी हो जाती हूँ लिटरली कि इसको आने देते हैं, जैसे ही सामने आएगा मैं इसको मारूंगी। बट ये भी मुझे धक्का अच्छा खासा दे रहा था, तो अभी इसको तो मार देती हूँ, क्योंकि ये था 5 लेवल का, मेरा जी बहुत ज्यादा मतलब खतरनाक है, 44 लेवल का है। तो इधर पे मुझे सामने ही मुझे एक 8 लेवल की एक मेहमत दिख जाती है, जैसे कि मेरा अभी ये डायर हो जाती है इधर पे टेम। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसको स्टॉप कर देती हूँ, अभी मुझे करना है मेहमत टेम। तो मेहमत को टेम करने के लिए ट्रैप तो करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे थोड़ी ना होगा। तो मैं इधर पे बना के लेके आ चुकी एक बियर ट्रैप। रुको 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 यार, दो लग गया, एक को उठा देने दो। तो इधर पे मैंने एक उठा लिया और एक इधर पे लग गया, चलो फाइनली ये जकड़ गया, अभी इसको मैं मारने वाली हूँ ट्रैंक करो। तो फटाफट से जितना देर मतलब ये ज्यादा देर तक लग के नहीं रहने वाला है, तो आप लोगों को जो भी करना है ना बहुत जल्दी करना पड़ेगा। तो जैसे कि देखो अभी ये खुल गया है, तो फटाफट मैं इधर पे और एक लगा दे दी हूँ, ये आ रहा है, चलो 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 फिर से जकड़ गई। तो अभी फटाफट इसको मुझे मारना पड़ेगा, ठीक है ना? तो बहुत ध्यान रखने इस सारी चीजों को करना, ठीक है ना? अगर आप लोग बियर ट्रैप वगैरह लगा रहे हो तो बहुत आसान तरीके से ट्रैप हो जाता है आप लोगों को, मतलब कुछ भी चीजें बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत आसान तरीके से इसको ट्रैप कर सकते हो इस वाले बियर ट्रैप के माध्यम से। अभी ये हो गया है इधर पे नॉक, तो अभी इसके अंदर मेरे पास कुछ नहीं थी, तो मैंने क्या किया, मैंने एजुबरी को दे दिया और अभी अपना डायर उल्फ को बुला लिया मैंने। बट इसके बॉडी से रेड रेड क्यों नहीं छोड़ रहा यार, कुछ समझ में नहीं आ रही है। जो भी हो अभी इधर पे मैं अपना दोनों एनिमल्स को ही बुला लेती हूँ और इन लोगों को इधर पे स्टॉप कर देती हूँ, और इसको मैंने इस मेहमत को कुछ पोर्शन तक मैंने इधर पे नैरकोटिक को दे देती हूँ। और रात भी काफी हो चुकी थी और मेरे पानी मेरे बॉडी में खत्म हो रही थी, तो रात को सोना भी बहुत जरूरी है। बट इससे पहले मुझे पानी भी तो पीना है, तो मैं बहुत रिस्क लेके इधर पे नीचे की तरफ जा रही हूँ। अभी मुझे पता नहीं कि सामने कितने ज्यादा मतलब कुछ होने वाला है, तो मैं तो गया, मतलब मुझे नहीं पता, मैं तो आ चुकी हूँ। अभी जैसे कि मैं सामने ऐसे उतर जाती हूँ, उतरने के बाद मैं अभी पानी में जाने वाली हूँ, और पानी में जाते मुझे डर भी लग रही है बहुत ज्यादा। तो चलो 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 चलो, हो गई। अभी इधर से मुझे लिटरली वो देखो सामने ड्रायर वगैरह सारे कुछ इधर पे घूम रहा है, समझ रहे हो ना? तो इधर मैं थोड़ा बहुत मेजबड़ी सी मेरे पास बची हुई थी, और कुछ खाना था भी नहीं मेरे पास, तो मैंने वो सब भी जस्ट खा लिया। और अभी जब सामने जाएंगे, जाने के बाद मैं इधर पे सो जाने वाली हूँ, और जैसे ही सोंगे रात अगर क्रॉस हो जाएगी तो थोड़ा तो अमाउंट तक इसका मतलब जो मतलब होता है ना क्या टेमिंग का पोर्शन, वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी सुबह भी हो चुकी है, अभी सामने में जैसे आती हूँ मैं देखती हूँ 97% होके रखी थी, तो 99% भी हो गया और ये फाइनली मेरा मेहमत हो जाती है टेम। तो अभी मैं उन दोनों को उधर ही छोड़ के आ जाती हूँ, वो जगह थोड़ा सा मुझे सेफ एंड सिक्योर लगी थी, तो उधर पे छोड़ के तो आ जाती हूँ। बट इधर पे आने के बाद मुझे फटाफट उन दोनों को बुलाना भी है, तो पहले मैं मेहमत को बुला लेती हूँ, मेहमत जैसे ही आ जाएगी उसके बाद मैं डायर उल्फ को बुलाने वाली हूँ। तो अभी मेहमत आ चुकी है, तो इसको इधर पे रहने देते, अभी चलते डायर उल्फ को लाने, क्योंकि डायर उल्फ अंदर नहीं हो रही थी, पता नहीं कौन सा ग्लिचेस के वजह से नहीं आ रही थी, तो मैं बाहर आके डायर उल्फ को बुला लेती हूँ। अभी चलो इसको लेके हम चलते अंदर और इसको हम रख देंगे, और रखने के बाद हम लोग दूसरे काम पे भी तो जाएंगे। तो चलो फटाफट से, और इन्वेंट्री भारी होने के कारण ये चल भी नहीं पा रहा है, और सबसे खूबसूरत इसका जो पुच्छी है ना वो लगती है मुझे। बट बाकी ये कौन है भाई, मतलब यार ये डायर उल्फ के साथ एजेंटिव इसका क्या बचपन से कोई मतलब झमेला था क्या? मतलब हमेशा देख रही हूँ कि जब भी मैं टेम करी थी तब भी आ रहा है, अभी मैं टेम करके आ भी चुकी तब भी आ रहा है एजेंटिव। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रही है वो क्या रहा है भाई,
तो अभी मैं इसको अंदर रखने वाली हूँ, तो चलो सबके साथ, मतलब क्या ही बोले, एक गधे के झुंड में हमारा क्या काम है, तो कोई नहीं। और आज मैं इधर पे खोलने वाली हूँ रिवाइवल प्लेटफॉर्म को, जो मिलेगी आप लोगों को 65 लेवल पे। तो अभी इसको खोल लिया रे भाई, हट यार। तो इधर पे मैं सामने आ जाती हूँ, आने के बाद फेब्रिकेटर में मैं देख लेती हूँ कि इसको, अच्छा मेटल इग्नोट पॉलीमर क्रिस्टल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, तो अभी मुझे मेटल इग्नोट की बहुत जरूरत है, बट मेटल इग्नोट तो था नहीं मेरे पास इतना ज्यादा। तो मैं आ जाती हूँ ये लावा वाला जो पर्वत है ना, जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी बना के रखा है अपना फोर्ज वगैरह, अपना एक मतलब एक संसार बना के रखा हुआ है इधर पे भी। तो इधर पे मैं आ जाती हूँ, आने के बाद इसको रख देती हूँ। रखने के बाद इधर पे रुको एक सेकेंड, ये देखो इसके अंदर 1000 से भी ज्यादा है, तो मेरे तो इतना लेके नहीं जा सकती हूँ, कुछ 500 जैसे ही मैं लेके जाने वाली हूँ। तो अभी मैंने इधर से 483 जैसा कुछ उठा लिया, अभी इधर से हम दोनों इधर से निकल जाएंगे। निकलने के बाद मैं बनाने वाली हूँ रिवाइवल प्लेटफॉर्म को, और उसके ऐसे आप लोग कोई भी डेंजरस एनिमल जो भी हो, मतलब रिवाइव कैसे करते वो सारी चीजों को करने वाले है, बट आज नहीं, ठीक है ना, वो हम दिखाते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। मिलते हो फिर आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड पे, तब तक के लिए आप सभी लोग बहुत खुश रहिएगा, अच्छे रहिएगा, टाटा एंड टेक केयर।